एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकट्टा पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सठर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। अभी 7:30 बजे मतलब 4-5 मिनट है बजने में। बाकी आज का जो मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है ना मौसम देख के कि घनघोर बारिश होने वाली है और दिनों यहाँ पे सुबह आ जाती है 6:40 में धूप आ जाती है, मेरी रूम तक तो पहुँच जाती है 6:40 बार, उसी टाइम पे मैं उठती भी हूँ। लेकिन आज मतलब पूरा बादल बादल हो रहा था सुबह और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ ही साथ में आसमान आवाज़ भी कर रहा है, खड़म बड़म वाली आवाज़ आ रही है। तो आज बारिश होगी लग रहा है। आपको मौसम दिखाती हूँ आज मैं कैसा हो रखा है करके। यहाँ पर पूरा बादल बादल और उजाला उजाला होता है ना, जैसे मतलब टाइम जैसे सुबह हो रही है 7:30 बजे 8 बजे 8 बजे। तो कल इतनी ज़्यादा धूप आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जैसे होने लगी थी, लेकिन आज अंधेरा अंधेरा होते जा रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है शायद, लग रहा है पूरा। वहाँ फोन में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे धूप आई है लेकिन ऐसा हो नहीं रहता है क्योंकि यहीं से आता है ना सूरज और यहाँ पे बादल लगा है, तो इस वजह से लग रहा है जैसे धूप आई है लेकिन वो धूप नहीं है, काले बादल लग रहे हैं ना। काले बादल के साथ में थोड़ा सा हल्का सा वो उजाला टाइप का हो रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे धूप आएगी लेकिन ऐसा है मौसम। आज 3 दिन हुए थे मुझे टोपी छोड़े हुए, लेकिन अगर बारिश हुई तो क्या पता दोबारा से पहननी भी पड़ सकती है टोपी, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा सर में ठंडा घुस जाता है ना। अब फटाफट से पोछा लगाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर मिलूंगी आपको नीचे किचन में। पापा सुबह ही सुबह निकल गए आज थेरेपी करने वही तो किस चीज़ की थेरेपी कर रहे होंगे लोग। जा रॉकी छोड़ने जा पापा को, नहीं जा रहा है, जा 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 मारू, आजा आ ले ले, बारिश भी आने वाली है अब। दोस्तों आधे घंटे बादलों के गरजने के बाद अब बारिश यहाँ पे आ चुकी है और लगभग बारिश आई थी जब मेरा बिटौला आया था, यानी कि मेरा बिटौला आया था मार्च स्टार्टिंग में, 3-4 तारीख आया था, हाँ 4 तारीख को मेरा बिटौला आया था। तो उन दिनों 1-2-3 तारीख को बारिश आई थी, तो तब से बारिश आ जा रही है। और वैसे ना एक दिन बारिश की ज़रूरत थी ही, क्योंकि मतलब हमारे लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जिन लोगों के सामने खेत है ना उन लोगों के लिए, क्योंकि जब 3 दिन बारिश आई थी ना तो अब गेहूं के जो बाले हैं ऊपर को आ गए हैं, लेकिन एक दो बार और बारिश की ज़रूरत थी, तो तभी आज फिर से बारिश आ गई है। तो काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए क्योंकि वो लोग कह रहे थे एक बार बारिश आ जाती तो सही रहता करके। अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पापा जी तो चले गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बन चुका है मेरा नाश्ता और सिर्फ रोटियाँ बनानी थी आज, और रोटियाँ भी ना सिर्फ अपने लिए बनानी है, मम्मी के लिए बनानी है और एक रोटी रॉकी के लिए बनानी, बड़ी सी बना देते हैं हम 4-5 रोटियों का, और बाकी खरगोश खाते हैं एक रोटी या आधी रोटी सुबह के टाइम पे। यहाँ पे बारिश ने अपना कोटा पूरा कर दिया है और मौसम खुलने लग गया और हल्की हल्की धूप भी निकलने लग गई। अब कोटा पूरा बारिश का, वैसे थोड़ा भी नहीं भीगा, थोड़ा थोड़ा आई बस हो गया, यहाँ पर भीगा बस हमारे। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं सोच रही थी कि आज से रोज़ नहाऊंगी, लेकिन आज हल्की सी बारिश हो गई है और थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो अब मैं आज नहा नहीं रही हूँ। हमारे घर में एक मम्मी है जो हर मौसम बनाती है, हाँ बर्फ पड़े बारिश आए बादल लगे या धूप आए। दोस्तों यहाँ पे पूरी धूप आ गई अच्छे से, पापा चले गए, मम्मी भी तैयार होने लगी जाने के लिए। मेरा टाइम पास आज भी रील बना के होगा। कोई वो कर रहे थे मेरे उसमें, मैंने पूछा ना नया ब्लॉग किसमें बनाया जाए, तो कोई बोले थे सासू माँ के साड़ी कलेक्शन दिखाओ। मैं मन में बोल रही थी दिन भर तो आजकल उनकी साड़ी रील बना रही हूँ, कहाँ कलेक्शन, ऐसे ही दिख जाएगा साड़ी कलेक्शन। पापा गए 8 बजे थेरेपी कराने, अब मम्मी जा रही है 9 बजे MH। मौसम पूरा खुल गया, अब लग ही नहीं रहा कहीं से बारिश आई होगी करके।
हम जा रहे हैं, तुझे अकेले छोड़ देगा। मैं रील बनाऊं क्या? आप जाओ वही तो। दोस्तों मम्मी पापा चले गए, पापा अपने मतलब पाँव में बांधे ना तो उसकी थेरेपी कराने के लिए चले गए थे सुबह 8 बजे, और मम्मी एमएज गई हैं क्योंकि मम्मी की कमर दर्द हो रही थी बहुत दिनों से, तभी गई हैं। बाकी मेरा ऐसा होता है ना कि घर में कोई नहीं होता है तो वैसे तो मैं रील और टाइम भी बनाती हूँ, लेकिन अगर घर में कोई नहीं होता है तो मैं रील्स बना के ही अपना टाइम पास करती हूँ। और मम्मी बोली थी अब मेरी कोई साड़ी देख लेना फिर उसके बाद बनाना। वैसे मैं आजकल मम्मी की साड़ियों में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना कितनी हैं 7 या 8 ही साड़ियाँ, और उसमें से 2 तो मैंने यूज़ नहीं करी है, एक मैं अपनी एनिवर्सरी में पहनूंगी जो मेरी मम्मी ने बिटाले में दी थी, और एक दूसरी वाली है उसका ब्लाउज पता नहीं कब बनेगा मेरा, ब्लैक कलर का है वो ब्लाउज। बाकी पहले मैं बाहर का पोछा लगा लेती हूँ बरामदे का, उसके बाद बनाऊँगी रील। दोस्तों यहाँ पर मेरी रील्स बन चुकी है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही है, लेकिन ये हो रहा है दिन। और उस टाइम पर बिल्कुल मतलब धूप आ गई थी, धूप निकल गई थी जब मम्मी जा रही थी, और फिर उसके बाद मैंने बाहर पोछा लगाया तब भी धूप ही थी, और मैं रील्स बना रही थी ना तब भी धूप ही थी। अभी मेरी रील्स वगैरह भी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा तूफान आ गया ना, बहुत ख़तरनाक वाला। बाहर आने में थोड़ा सा उजाला रहा है लेकिन पूरे तूफान से यहाँ हालत ख़राब हो गई आज, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में हवा भी चल रही है। यहाँ पे बदल चुकी है मौसम की करवटें और आने लगी है बारिश। अब आई तेज वाली बारिश, जैसा सुबह मौसम हो रहा था ना उसके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश आ रही है। दोस्तों अभी यहाँ पे आ चुकी है चकाचक धूप, और अब दिन का खाने बनाने का टाइम भी हो चुका है, तो चलते हैं नीचे। आज मौसम बदलते ही रह रहे दिन भर। खाली चल रहा बैलेंस बना रही, बैलेंस गाना लगाओ ये आज तो ताई भी डांस कर रही है, शर्मा जा रही है, ऐसे ऐसे कर रही थी। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है, और बहुत टाइम से ना लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि आपके इंस्टाग्राम की पेमेंट कितनी है या आपको इंस्टाग्राम से मतलब कितने पैसे मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम में ना ऐसा होता है पेमेंट का फिक्स नहीं है, जैसे यूट्यूब का फिक्स नहीं है, यूट्यूब में व्यूज़ का है कि जिस हिसाब से व्यूज़ आएंगे उसी हिसाब से पेमेंट आती है हर महीने, या जैसे किसी महीने कम व्यूज़ आए और डॉलर नहीं बन पाए पूरे तो फिर उसके अगले महीने के डॉलर और 2 महीने के डॉलर मिलके तीसरे महीने ऐसे तनख्वाह आती है। तो वैसे ही इंस्टाग्राम का भी है, इंस्टाग्राम में रील्स का होता है मतलब जितनी जैसे किसी महीने हमको 20 रील मिल गई या किसी महीने हमको 10 रील मिल गई, किसी महीने 20 रील मिलेंगी तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है, और किसी महीने 10 रील मिलेंगे तो फिर डाउन चले जाता है पेमेंट का। लेकिन होता है कि इंस्टाग्राम से वैसे रील्स वगैरह मतलब रील्स वगैरह में अच्छी पेमेंट मिल जाती है, और जैसे बहुत लोगों को बहुत सारे वो होते हैं ना बहुत सारे मतलब कि प्रमोशन वगैरह मिलते हैं, कपड़े वगैरह के भी बहुत मिलते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे कपड़ों के भी पेज हैं, तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन अभी मेरे 50K हैं सब्सक्राइब मतलब फॉलोअर 50K हैं, तो उस हिसाब से अभी मुझे रील्स के प्रमोशन मिलते हैं और वर्क फ्रॉम होम के प्रमोशन मिलते हैं, जो कि मतलब अपना खर्चा चल जाता है। बाकी आज का जो व्लॉग था यहीं पर करते हैं ख़त्म, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।